हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल श्रेष्ठ भारत। हमने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई, फिटनेस, दुर्गा पूजा और इवेंट्स भी अच्छे अच्छे, लेकिन आज हम आए हैं जिससे आप फिट रहेंगे, यानी फिटनेस मंत्र है ये, मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट बहुत ही अच्छा है और फ़ायदेमंद है और हमारे बिजी शेड्यूल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे मार्शल आर्ट में पार्ट्स होते हैं, कितने कितने पार्ट्स हैं मार्शल आर्ट में, क्योंकि टाइकोंडो है इसमें, बहुत सारी किक बॉक्सिंग है, किक फाइटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम भी अपनी कैलोरी थोड़ी सी बर्न कर लेते हैं प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस, वो भी बॉक्सिंग से। तो जैसे कि आपने देखा है कि ये प्रैक्टिस करते हैं और रोज़ जब करते हैं तो फिटनेस तो कमाल की होती है। जैसे कि मेरे आगे पीछे आप देख रहे हैं कितने कमाल की फिटनेस में ये दिख रहे हैं, फिट दिख रहे हैं। हम योगा करने के लिए जाते हैं, हम जिम चले जाते हैं, लेकिन ये जो है, ये मंत्र जो है, ये बहुत ही नेचुरल है, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, सब चीज़ को काम रखती है। तो और भी प्रैक्टिसेस देखेंगे मेरे साथ, और भी चीज़ें आप देखते रहिए, आप मिस मत कीजिए कोई भी चीज़। जैसे कि अब तक आपने देखा है कि हमने वार्म अप सेशन में बॉक्सिंग किया है, इसके बाद बैक के साथ हमने बॉक्सिंग किया, पंचेस जो बहुत ही ज़ोरदार पड़े हैं, तो अब किक फाइटिंग होने वाली है, यानी कि लेग्स के साथ हम किस तरह से काम कर सकते हैं। मार्शल आर्ट में लेग्स के भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे कि हम पंच का बहुत यूज़ कर सकते हैं तो लेग्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से अगर लड़कियों के बारे में बात करें तो वो फ्लॉन्ट भी होने लगता है लेग्स, क्योंकि एकदम ही सटीक, एकदम लाइन पे आ जाता है। तो आप अभी देखेंगे मेरे पीछे कि सब लोग किक के प्रैक्टिस के लिए तैयार बैठे हैं और किक प्रैक्टिस अभी शुरू होने वाले, देखते हैं किस में कितना है दम। आलोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, टाइम निकालने के लिए। या थैंक यू सो मच। आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में अब टाइकोंडो के लिए खड़े हैं बच्चे, ये कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, कब से आपने ये जो इंस्टीट्यूट है ये चलाना शुरू किया? लाइक आई बीन टीचिंग, मैं पिछले लाइक 25 ईयर प्लस से सिखा रहा हूँ। स्टार्टेड टीचिंग वेरी अर्ली एट द एज ऑफ 20 आई वाज स्टडीइंग एंड टीचिंग। तो आपने कहाँ से सीखा था? मैंने दिल्ली के जो सबसे बड़े मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर अभय सिंह राठौर से सीखा। करंटली इज़ इन USA, तो मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया था। वो पहले कोच थे जिन्होंने ताइक्वांडो को दिल्ली में इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। आप ब्लैक बेल्ट रहे हैं, तो आप जब यहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं, किस एक थॉट के साथ प्रिपेयर कराते हैं? क्या आपको फाइट अच्छी खेलनी है या सेल्फ डिफेंस इतनी अच्छी करनी है कि अगर आप पे कोई मुसीबत आए तो आप वो क्रैक कर सकें? बेसिकली जो बच्चे आते हैं दे गो फॉर द ब्लैक बेल्ट कोर्स एंड दे डू कॉम्पिटिटिव ताइक्वांडो, ताकि वो कॉम्पिटिशन में जा सकें। और ताइक्वांडो ओलंपिक स्पोर्ट है, एशियन गेम्स में है, तो बच्चों का जो गोल होता है वो कॉम्पिटिशन के लिए होता है। और सेल्फ डिफेंस वाला पार्ट तो है ही है, लाइक जो बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं बिलो 10 ईयर्स वाले, तो जो बड़े बच्चे हैं वो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी करते हैं। जब आप प्रिपेयर कराते हैं बच्चों को किसी कॉम्पिटिशन के लिए, कुछ के लिए, तो आपका मंत्र क्या होता है इन बच्चों के लिए? बेसिकली इनको स्किल पे हम वर्क करते हैं काफ़ी, क्योंकि कंपटीशन नॉट दैट इजी, क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट है, तो आपके बॉडी में हिट होगा, आपके फेस पे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, तो डिफेंस एंड अटैक इनके टेक्निक्स का प्रैक्टिस कराया जाता है। मैन आई फील की लाइक दे कैन पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। बिगनर्स वालों का बिगनर्स का कॉम्पिटिशन होता है, और एडवांस लेवल का देन दे गो फॉर द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। आपसे ये जानना चाहूँगी, मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट में बहुत सारी फाइट्स इंक्लूड्स होती है, तो आपके यहाँ पे आपने मार्शल आर्ट एकेडमी खोली है, इसमें कौन कौन सी फाइट आपने इंक्लूड की है? बेसिकली वी रन 4 प्रोग्राम्स हियर, जिसमें ताइक्वांडो है, किक बॉक्सिंग जनरली कॉम्बैट फिटनेस के रूप में हम लोग कराते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मेरे पर 95% IT के लोग हैं, तो वो खाली फिटनेस पर्पज़ के लिए आते हैं, लेकिन हम ट्रेनिंग उनको एक फाइटर वाली देते हैं। दे आर नॉट गोन बी अ फाइटर, बट वो फाइटर्स की ट्रेनिंग करते हैं। एंड वी लाइक टीच सेल्फ डिफेंस, तो कुछ वीमेन आती हैं, कॉर्पोरेट के लोग आते हैं जो खाली जिनको सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग करना होता है। सो एंड मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं, जिसके अंदर हम लोग स्ट्राइकिंग एंड ग्रैपलिंग सिखाते हैं। जी आलोक जी, आपसे ये जानना चाहूँगी मैं कि बहुत ही ज़्यादा आजकल देखा जाता है कि लड़कियों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता है, और आए दिन हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, हर जगह देखते हैं, तो इसके लिए आप किसी लड़की को या विमेन को किस तरह से प्रिपेयर कराते हैं? बेसिकली देखिए, वन नीड टू बी फिट, लाइक पहले आपको फिटनेस होना जरूरी है, लाइक इफ यू वांट टू शाउट तो लंग्स में पावर होनी चाहिए, बचाओ तो अब आपके अंदर लाइक लंग्स में ही पावर नहीं है, तो पहले आप फिटनेस लेवल पे, देन विल टीच देम सम स्किल, ताकि ज़रूरत पड़े तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स आर देयर, किसी ने हाथ पकड़ लिया है या किसी ने नेक ग्रैब कर लिया है,
अभी लेटेस्ट स्टेज पे विल डेमोस्ट्रेट दिस वन ऑल्सो। तो हम लोग इस तरह से पहले हम फिटनेस पे वर्क करते हैं कि पहले आप फिट हो, ताकि अगर आपको किसी को मार के भागना हो, क्योंकि बॉलीवुड फाइट नहीं है कि जहाँ पर आप 10 बंदे से लड़ते रहेंगे, तो आपके 5 से 10 सेकंड की विंडो होती है, वहाँ एक मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट पे अटैक करते हैं, स्पेशली वीमेन अपने आप को सेव करते हैं, शाउट एंड रन, ये टेक्निक होता है। आप मार्शल आर्ट का कौन सा वाला पार्ट कर रही हैं, यहाँ पे सीख रही हैं? किकबॉक्सिंग। किकबॉक्सिंग, तो आपको किकबॉक्सिंग में क्या अच्छा लगा कि आपको टाइगोंडो नहीं करना है, किकबॉक्सिंग करना है? आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड माई जॉब रिक्वायर फॉर मी टू बी ऑन माई टोज मोस्ट ऑफ द टाइम, आई कीप ऑन रनिंग ओवर इन हियर एंड देयर, सो आई थॉट दैट किकबॉक्सिंग वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर मी। अब जब मैं देखती हूँ कि देख रही थी प्रैक्टिस सेशन के दौरान कि आप जब कर रही थी, आप बहुत मज़े से कर रही थी, जैसे कि कुछ लोगों को डांस अच्छा लगता है तो बहुत ग्रेसफुली करते हैं, तो आपका जो ये था प्रैक्टिस सेशन जो था उसमें मैंने देखा आप बहुत ग्रेसफुली कर रही हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली माई पैशन, ये मार्शल आर्ट, ये अकेडमी मेरा सेवियर है जो बहुत लोग जानते नहीं हैं। आई हैड स्ट्रगल विद मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेडिकल इश्यूज़, दिस प्लेस, दिस ट्रेनिंग हैज़ सॉल्व्ड ऑल ऑफ इट फॉर मी। आई एम अ बेटर पर्सन आफ्टर 2 years इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई एम एब्सोल्युटली लॉयल टू दिस स्पोर्ट, दिस अकेडमी, माई टीचर एंड माई बैचमेट्स। मैम मेरा ये कहना है कि ज़रूरी है कि आप जिम जाएं, योगा करें या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, पर यू हैव टू कीप योर बॉडी मूविंग टू गेट योर ब्रेन मूविंग। असल में होता क्या है कि लोग जाते नहीं है कुछ करने के लिए, दे फील लाइक कि हम घर बैठे बैठे वी आर फिट, बट जब लेटर ऑन उनकी हेल्थ डिटेरियरेट होती है तो दे फील लाइक यार ये वेस्ट ऑफ टाइम था उनका, उनको कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ करना चाहिए था। दे हैव टू गेट द बॉडी मूविंग, दे हैव टू गेट द स्वेट आउट, दे हैव टू मूव इट सो दैट यू नो दे कैन अचीव अ बेटर लाइफस्टाइल। आप जैसे कि हम फाइट करते हैं तो फाइट में चोटें बहुत आती हैं, तो पहले ही बता दिया जाता है कि आपके फेस पे, कई लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं कि फेस पे चोट नहीं लगना चाहिए, यहाँ नहीं, और कई बार ये बहुत ही मेजर इंजर्ड भी हो जाते हैं हम, तो इसमें इसके लिए आप लोगों को क्या बताया जाता है, या आप अगर किसी को बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है तो उसमें आप क्या बताएंगे? देखिए, कहा तो ये जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, पर क्या है कि जब तक आप चोट खाएंगे नहीं तब गिर के उठना नहीं सीख पाएंगे, तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एट द ऑल टाइम्स, बट यू हैव टू टेक हिट्स ऑल्सो। मैं यहाँ पे मौजूद अपने ये सारी गर्ल्स से पूछना चाहूँगी एक एक करके कि गर्ल्स सेफ्टी पे बहुत बातें आप देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो ये सीखना, मार्शल आर्ट सीखना या मार्शल आर्ट का कोई भी पार्ट सीखना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आई थिंक इट कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ऑनेस्टली। नॉट ओनली द स्किल्स, मार्शल आर्ट्स गिव यू कॉन्फिडेंस। When you're walking on the road, आपको पता है आपके पास वो स्किल सेट है दैट यू कैन डिफेंड योर सेल्फ, एंड नॉट ओनली योर सेल्फ, तुम किसी सामने वाले को डिफेंड कर सकते हो, दैट गिव्स यू अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस एंड दैट इंटरनलाइजेज सेफ्टी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिफेंस सीखो, मार्शल आर्ट सीखो, लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे जानना चाहूँगी मैं, आप इस पर क्या बोलना चाहेंगी? मेरे हिसाब से मार्शल आर्ट्स एक बहुत अच्छा वर्कआउट भी है फिटनेस के लिए, सिर्फ लाइक कार्डियो फिटनेस नहीं, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस सब कुछ बढ़ाने के लिए है। तो लाइक रियल लाइफ सिचुएशन में अगर कभी ऐसा फेस करना हुआ तो उसमें जैसे सर बता रहे थे, फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये मेंटली भी हम लोगों को प्रिपेयर करता है ऐसा कोई सिचुएशन अगर कभी हुआ उसको फेस करने के लिए। तो कई बार ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कि हम निकले और जैसे कि लड़कियों के अमूमन माइंड में रहता है अंधेरा होने से पहले घर पर पहुँचना है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं होता शुरू से, लेकिन जब सीखते धीरे धीरे लगता है कि हाँ हम अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। ये सीखने के बाद एक्चुअली कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है, तो अभी मैं ज़रूर अवॉइड करूँगी अनवांटेड चीज़ें, बट अगर मुझे कभी भी फेस करना हुआ तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं संभाल तो लूँगी। आपसे ये जानना चाहूँगी मैं, जैसे कि हम ऑफिस वगैरह में करते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको कैसे उससे टैकल करना है, क्या ये चीज़ आप सीख पाई हैं यहाँ से? बिल्कुल मैं सीख पाई हूँ। और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता है, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप होता है ये सब चीज़ें सीखने के बाद? बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है। इफ़ आई कंपेयर माई सेल्फ टू माई कोलीग्स आउट देयर हु आर वीमेन कोलीग्स, सो समटाइम्स दे आर अफ्रेड दैट दे विल नॉट बी स्टेइंग अ लिटिल लेट, दैट इज़ रिक्वायर्ड, बट दे वोंट स्टे। सो आई हैव बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस दैट आई विल बी सेफ इन माई सेल्फ, बिकॉज आई नो दैट इफ समथिंग इज़ देयर आई एम अप फॉर इट। That's how it makes a difference in your life. जैसे कि हम लोगों को इन्होंने बताया कि किस तरह से ये करती हैं और क्या क्या चीज़ें सोच के करती हैं, और कई बार ये होता है लाइफ में किक
पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है कि पढ़ने के बाद ये बहुत अच्छी जो एक उभर के खिलाड़ी आई हैं और अपने लाइफ में भी इन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया, इन्होंने भी गेन किया है। और लड़कियों की सेफ्टी के नज़रिए से देखें अगर तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। और जब आए दिन हम जो ऐसी न्यूज़ें सुनते हैं तो फिर लगता है कि हमें हाँ अगर उसको ये चीज़ आती तो कहीं ना कहीं शायद वो प्रोटेक्ट हो पाती। तो सेफ्टी पर्पज़ से भी बहुत ज़रूरी है और किक पढ़ना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद हम फिर से बिल्डअप होते हैं, फिर से खड़े होते हैं, उसके बाद हम रुक नहीं जाते, खड़े होते हैं, कॉन्फिडेंस अपना लेते हैं और फिर से चल पड़ते हैं। तो हम सभी को ये चीज़ सीखनी चाहिए और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर अब तक आपने शुरू नहीं किया है, ज़रूरी नहीं है कि आप कॉम्पिटिशन सीखें और कॉम्पिटिशन के नज़रिए से करें वो चीज़, आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी कर सकते हैं ताकि आप सेफ रहें। आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही और स्टोरी को देखने के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।